का स्वागत करता हूं। जो बच्चे बाहर ग्राउंड में टहल रहे हैं शामियाने में आए, जैसे ही आप आते हैं फौरन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और आज का ही प्रोग्राम YouTube चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। चैनल का नाम है मिसबा खान। आज का ये प्रोग्राम आप घर बैठे भी देख सकते हैं, YouTube चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। चैनल का नाम है मिसबा खान, सर्च कीजिए और प्रोग्राम को घर बैठे भी आप देख सकते हैं। चार्जिंग चलेगी तो कब तक दम मारेगी? पावर बैंक भी आता ना? हल पावर बैंक आता बोल तो उसको एंड लगा देंगे उसके साथ। इधर चार्जिंग भी चालू। हां मुद्दा जनाब आ गए। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि जितने भी लोग ग्राउंड के अंदर टहल रहे हैं वो ग्राउंड शामियाने के अंदर आए, फौरन आए। मैं आए हुए हमारे तमाम मेहमान का दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। हेलो चे हेलो हेलो चे उत्तर में जाओ रे, कहाँ जा रहे? इधर से जाने का। कोने में बैठ जाना पड़ा तो तुम कैसी भी मेहनत करते हो। हेलो 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 चे हेलो Thank you.
हेलो मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो मैदान में इधर उधर टहल रहे हैं और शामियाने में आए, प्रोग्राम थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। जो बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खामोशी बनाए रखें, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। बच्चू बैठ जा बेटा, नीचे बैठ, और किसी की भी आवाज नहीं आना। थोड़ी देर खामोश हो जाए, तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। हमारे तमाम मेहमान शामियाने में आ चुके हैं, अगर ये प्रोग्राम इफ्तिताह होने जा रहे हैं। मैं एक बार आपको फिर बताता चलूँ कि आज का ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसकी लिंकिंग बहुत सारे ग्रुपों पर सेंड की गई है, और वैसे भी आप उसको डायरेक्टली मिसबा खान
चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं। चलो सामने से हमारे जजेस आ रहे हैं, थोड़ी देर में शामियाने में शामिल होंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दसा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, खैर मकदम करें। चीखे चिल्लाए ना, क्योंकि आज हमारी जो महफिल है बावकार महफिल है, इसमें तालियां तो सिर्फ सदारत के लिए इसके लिए चलेगी, मेहमानों के लिए। जब भी प्रोग्राम होगा तो आप दादू तहफी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आप दादू तहफी दे सकते हैं। चीखे ना बेटा, आवाज ना करे, सिर्फ तालियां बजाए। बस थोड़ी ही देर में प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। ऊपर आता ना इससे ऊपर करना, कितना ऊपर ये इतना यहाँ से निकलेगा, ऊपर करूँ क्या इसको? नहीं बस बस बस, अच्छा एक जगह रखेंगे इसको फिट कर देना। खामोश हो जाए तमाम बच्चे, बस प्रोग्राम शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू हो गए हैं। खामोश हो जाए आप, एक बार खामोश रहकर हाथ बांध कर बैठ जाए आप बच्चे तमाम, और आवाज बंद कर दें। किरत को मायने परवास कर रहा हूँ मैं, किरत को मायने परवास कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने शेख को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। खुदा वंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर प्रवास करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, तमाम हमद रब्बे करीम के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है, और दरूद उन मुकद्दस हस्तियों पर चुलाए के दरूद है। तो ये तुम दोनों है ना? आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ इंतहाई खुशियों खुजू के साथ आप बैठे, तिलावत का आगाज करने जा रहा हूँ। आगाज महफिल में हम कुरान करीम की चंद आयात की समाअत का शर्फ हासिल करते हैं। वो कुरान जो खुदावंद कुद्दूस ने वही के जरिए कल्बे मोहम्मद पर नाजिल फरमाया, और फिर वो कुरान आयत कुरानी
कल्बे मुस्तफा की खुशबू से मुअत्तर होकर उस ज़बाने मोहम्मदी पर जारी हुई जिसके बारे में खालिक कायनात का फरमान है उमा यंतिकु अनिल हवा। लिसान मोहम्मद से निकलने वाली आयात से ऐसा नूर साते हुआ जिसने अब तक सदियों पर मोहित ज़बान और मकान को इल्म हिकमत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। वो कुरान जिसके बारे में खुद खालिक कायनात कुरान में फरमा रहा है ज़ालिकल किताब ला रहे बसी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये कुरान बीमार नफ्सों का इलाज है और नेक रूहों की आबियारी करता है। आपसे गुजारिश है कि अपनी तमाम तर ज़हनी तवानाइयों को यकजा करके इश्क़े रसूल से मुअत्तर अपनी रूहों के दोष पर अपनी समातों के कशकोल उठाते कलाम पेश करिए। वक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह में सितारों से कयादत छीन लेता है। करीने सीख लो उसकी जमीन पर चलने फिरने के, तकबर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। हर एक दाने में उसके फैज की मौजिस नुमाई है, निवालों से भी नाकदरों वो लज्जत छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नियत नेक नामी की, जरा सा डक मगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के लर्गों से, कभी साहिल के तैराकों से हिम्मत छीन लेता है। सबक सीखो असर तारीख हिजरत की शहादत से, वो अक्सर आँख वालों से बसारत छीन लेता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं आपके सामने एक तिलावत पेश करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुने। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتحتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। अभी आप उस्मान खान से तिलावत कलाम पाक समाअत फरमा रहे थे, आइए उसके बाद खुदावंद कुद्दूस की हम्द व सना बयान करते हैं। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए
सुकून झील को देता है जो कवल के लिए, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी सफर के लिए। रहमान और रहीम के बार बार बरकत नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ जो आलमीन का परवरदिगार है। हम नैस खुदावंद कुद्दूस की जिसने हमें इल्म हिकमत अता की, पाक है वो जात जिसने कुवते गोयाई अता की और समाज जैसी नेमत से नवाजा। लायक इबादत है वो जात जिसने अपने अंबिया इंसानों की हिदायत के लिए भेजे। पाक है वो जात जिसके सजदा गुजारों में मुस्तफा जैसी हस्ती है, जिसके अमर से सैयारे अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है, दरियाओं में रवानी है, फूलों में खुशबू है। इसके करम से आसमान से बरसने वाला बाबरकत पानी मुर्दा जमीन को जिंदगी अता करता है। वो अमाउस की सिया रातों में सहरा में रेंगने वाली चींटियों की भी आवाज सुन सकता है। उसके करम से हवाएं सांस लेती हैं, उसके लतीफ इनायत से बादल बारिश बरसाते हैं, लुत्फ इनायत से बारिश बादल बारिश बरसाते हैं। समंदर की मौजें उछल उछल कर उसकी अजमत के गाने गाती हैं, चरित परित अपने अपने अंदाज में उसकी तस्वीर पढ़ते हैं। उसकी खैर इसकी जबरूरियत का आलम है कि पहाड़ उसकी रहमत से जरजा बल अंदाम है रहते हैं। वो करीम इतना कि उसने अपने करम से रूए जमीन पर बेहिसाब नेमतें बिखेर रखी हैं। सूरह रहमान में उसकी नेमतों का जिक्र करते हुए जिन्नो इंस को बार बार याद दिलाती है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वो अजीब इतना कि जमादात नबातात हैवानात इंसान जिन्नात मलाइका अंबिया सब उसकी अजमत के इतराफ में उसके आगे झुके हुए हैं। तो आइए खुदावंद कुद्दूस की हम्द सना के लिए मैं 12वीं साइंस की तालिबा अंशरा असलम खान को दावत सुखद देता हूँ कि आइए हम्द बारी ताला पेश करे। क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तैवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है लंगर भी तो उसका है। सूरज के चमकने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तूफान के ठहरने तक, गुच्छों के महकने से कलियों के चटकने तक, क्या तूने नहीं देखा पैकर भी तो उसका है। अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था, क्या तूने नहीं देखा मासूम परिंदों ने उस तरह हिफाजत की वो घर भी दोस्त का है। क्या तूने नहीं देखा क्या देख लिया तूने उसके इशारे पर ये सारे तमाशे है। वो धूप का मालिक है वो छाँव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी है मंजर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा वो खाक के जर्रों से सूरज भी बनाता है तारे भी बनाता है। मैं क्या कहूँ मेरा मिट्टी ही समझ मुझको पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी तो उसका है। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे मेरी काविशों का मुझे जन्नत में हर दे दुआ